हे गाइस, मैं विकास, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम का एक न्यू फीचर। यहाँ से मैं अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं रील्स वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। रील्स वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से मैं कुछ रील्स जो है स्वाइप अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ रील्स में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ आपको नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दिखा रहा है। तो इसका कैसा यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ आगे की वीडियो में। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो गाइज, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मतलब इसका मतलब है गाइज, जो आपको वीडियो अच्छी लगती है उस पर आपको इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। अगर आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हो तो आपको जो है, यहाँ से देखो मैं इंटरेस्टेड पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं 30 दिनों तक आपको यही पोस्ट और लाइक जो आपने इंटरेस्टेड पे क्लिक किया इससे रिलेटेड ही आपको वीडियो दिखाई जाएगी 30 दिनों तक, ठीक है। और अगर आप नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हो तो वीडियो आपको यहाँ से नहीं दिखाई, वो पोस्ट जो है हाइड हो जाएगी। ये तो गाइस मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे रील्स वाले सेक्शन में जो कुछ गंदी वीडियोस आती है 18+ की, तो उस समय हम उसको हाइड तो कर लेते हैं लेकिन तो भी वो आती रहती है। लेकिन इंस्टाग्राम ने इसलिए ये फीचर निकाला कि आपको जो कंटेंट अच्छा लगता है वही कंटेंट आप देख पाओ। अगर आप इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वही कंटेंट दिखाया जाएगा, और अगर आप नॉट इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको ये कैसा फीचर लगा कमेंट में जरूर बताया गाइस। और गाइस, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये फीचर हमें पहले भी मिला था लेकिन बहुत जन को इसका यूज़ करने नहीं आता था। यहाँ से आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कौन सा भी ऑप्शन अगर क्लिक करते हो तो वो नॉट इंटरेस्टेड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नया फीचर है इंटरेस्टेड, वो मुझे अच्छा लगा है। अगर आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो दिखाई देगी, और आपको जो वीडियो अच्छी नहीं लगी नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो उससे वीडियो आपको नहीं दिखाई देगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।